एग्जाम विद्यालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं आकाश का बात आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। चलिए आज का आपके लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आपको पूछा गया है और जो है आपके आने वाले एग्जाम में आपको पूछने की संभावना है। संभावना है तो उसका मतलब यह है कि पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। और ये स्पेशल मैं बता रहा हूँ NTPC के लिए और SSC के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। चलिए तो अगर आपने आप चैनल से नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि दो स्कूल बसें एक घर से 15 मिनट के अंतराल पर घर से चलना शुरू करती हैं, 25 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हैं, विपरीत दिशा से इस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस गति से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा जिससे इन दोनों स्कूल बसों से 10 मिनट के अंतराल पर मिल सके। ये आपका क्वेश्चन है NTPC 2016 में शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 12, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 12.5, ऑप्शन डी 12.755। चलिए आप PDF पोस्ट कीजिए अगर आपका आता है तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, वरना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आकर देखो क्वेश्चन पूछ कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्कूल बसें हैं, ठीक है, जो एक घर से चल रही हैं, यहाँ से स्कूल बसें एक घर से चल रही है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी है, तो क्या हो रहा है कि एक बस चली उसके बाद में फिर दूसरी बस चलती है 15 मिनट बाद। यहाँ पे जो लेडीज़ खड़ी है तो इसको सिंपल बात है, जब यहाँ से 15 15 मिनट बाद बस जा रही है तो लेडीज़ को भी 15 15 मिनट बाद बसें मिलेंगी। बट लेडीज़ का कहना ये है कि मुझे 15 मिनट में बस नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए 10 मिनट में। तो मैं अपनी स्पीड ऐसे बढ़ाऊँ, लेडीज़ की स्पीड बस की तरफ इतनी कितनी स्पीड से बढ़े कि जिससे उसे 15 मिनट में नहीं बल्कि 10 मिनट में ही बस को मिल जाए, ठीक है। तो वही पूछा गया कि लेडीज को किस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो चलिए देखिए लेडीज़ को मान लो मैंने एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा हूँ बस की साइड में, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है कि कितनी बस कितने अंतराल पर मिलनी चाहिए, 10 मिनट के अंतराल पर मिलनी चाहिए बस को, ठीक है। जबकि बस की चाल थी कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और कितने अंतराल पर मिलनी चाहिए, यानी कि पहले 10 15 15 मिल रही थी, अब 10 में मिलनी चाहिए, यानी कि 5 के। दोनों का आंसर कितना है, 5 का, ठीक है। तो 5 से 10 को 2 बार काट देंगे और 2 से 25 बार कितनी बार गए, 12.5 बार, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आएगा 12.5%, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, दे रखा है इसमें कि मान लो दो बसें हैं, ठीक है, एक ये बस है एक ये बस है, ठीक है, दो बस हैं और यहाँ पे कोई खड़ी है लेडीज़, ओके क्लियर। अब ये क्या हो रहा है, जो दो बस जो हैं कि लेडीज़ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये एक एक करके दोनों बसें जा रही हैं, 15 15 मिनट बाद जा रही हैं ये बसें, ठीक है। पहले एक बस चली गई, ठीक है, फिर दूसरी बस आई 15 मिनट बाद। तो इस लेडीज़ को क्या हुआ कि सिर्फ 15 15 मिनट बाद ही बसें मिलेंगी, बट ये कह रही है कि मुझे 15 मिनट बाद नहीं मिलनी चाहिए, मुझे 10 मिनट बाद ही मिलनी चाहिए बस, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि लेडीज़ को किस गति से चलना चाहिए कि उसको 10 मिनट के अंतराल पर ही बस को मिल जाए, ठीक है। तो मान लो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेडीज़ चल रही है, उसको 10 मिनट में बस मिलनी चाहिए और बस की टाइमिंग जो थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से थी और पहले उसको 15 15 मिनट बाद बस चल रही थी और लेडीज़ को चाहिए 10 मिनट बाद। तो दोनों का स्पेस कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, 5 का, और यहीं से एक्स का मान निकल आया कितना, 12.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि दो कारें एक घर से सेव है, दो कारें चल रही हैं एक घर से चल रही हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार की स्पीड है, 10 10 मिनट बाद दोनों कारें चल रही हैं, बट लेडीज़ को चाहिए कि मुझे 10 मिनट में नहीं बल्कि मुझे 8 मिनट में ही बस मिल जाए, ठीक है, यानी कि 2 मिनट कम चाह रही है कि मतलब 10 मिनट में ही मिल जाए, 8 मिनट में मिल जाए। लेडीज़ की चाल मान लो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी लेडीज़, ठीक है, उसको चाहिए 8 मिनट में, और बस की और कारें की स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसको पहले 10 चाहिए था, 10 मिनट में कर रही थी पार, अब चाहिए 8 मिनट में, अंतर कितने का आ गया, 2 का आ गया, ठीक है। 2 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 20 बार कितना आ गया, 5 बार,
तो राइट आंसर कितना आ गया, 5। क्योंकि 5 क्या है, ये लेडीज़ की चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर लेडीज़ बस की साइड में चलेगी, बस की तरफ चलेगी, तो उसको जो कारें थी, जो उसकी कारें थी, वो 10 मिनट में नहीं बल्कि 8 मिनट में ही मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, दो स्कूल बसें घर से 8 मिनट के अंतराल पर घर से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ठीक है, ट्रिक मैं आपको सब बता ही रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लेडीज़ को किस गति से चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लो लेडीज़ को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, ठीक है, बस की साइड में, और उसे कितने में चाहिए, 4 मिनट के अंतराल पर बस मिलनी चाहिए। ओके, और बस की स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहले बस 8 8 मिनट के अंतराल पे चल रही थी और लेडीज़ को चाहिए 4 मिनट के अंतराल पे, तो अंतर कितना का आ गया दोनों का, 4 का आ गया, 4 से 4 कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। ये आपका पूछा गया NTPC 2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, चलिए अगली वीडियो है, सॉरी अगली क्वेश्चन है आपका, कि दो साइकिलें, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, मान लो महिला की चाल, मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी लेडीज़, ठीक है, तो उसको कितने में बस मिलनी चाहिए, 8 मिनट के गैप में बस मिलनी चाहिए, 8 मिनट बाद ही वो बस को मिलना चाहिए। ठीक है, और साइकिल की चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चल रही थी, और 10 मिनट में और यह 8 मिनट में, दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 का, 2 से काट देंगे 4 बार, और 4 से काट देंगे 6, कितनी बार जाएगा, 4 से 6 बार काटेंगे, 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए दो ट्रक एक गैरेज से 25 मिनट के अंतराल पर घर से चलना शुरू करती हैं, यानी कि दो ट्रक शुरू कर रहे हैं, 25 25 मिनट बाद दो ट्रक चल रहे हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी है और ट्रक की चाल कितनी है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक की स्पीड है। ठीक है, और महिला की चाल मान लो एक्स, मान लो उसे कितने में चाहिए, 20 मिनट में मिलना चाहिए ट्रक को, और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चल रहे हैं। ठीक है, और 25 पहले 25 मिनट के अंतराल पर चल रहे थे, अब उसको चाहिए 20 मिनट के अंतराल पे, दोनों का कितना आ गया, 5 का अंतर आ गया, 5 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से 125 कटेगा, 31.25 बार। इसका ऑप्शन डी है, ये आपके क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से कराया है, ठीक है, अगर आपको इसका मेथड देखोगे तो आपको मेथड में टाइम लगेगा, कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएगा। मैंने बहुत ही एक लाइन में इसको बता दिया है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो आप बने रहिए अपने चैनल पर, और अभी आपने अगर आप चैनल को अपने आप पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।